आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन का प्रचार है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज की डेट में जो क्रिश्चियंस जो चर्च आ रहे हैं प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुनने के बावजूद भी वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे समाज में और समाज के लोगों के बीच में वो एक दोषी ठहराए जाते हैं या उनको गलत समझा जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है, उसके लिए हम लोग जो वचन की शिक्षा को सुनेंगे उसके लिए खोलेंगे हम कुलुसियों की पत्री, बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 4, इसके वर्स हम 5 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना पा जाए। हालेलुया। यहाँ पर आप लोगों को सबको व्यवहारिक सलाह दी गई है। पौलुस ने ये व्यवहारिक सलाह जो है वहां के लोगों को दी, और यही सलाह आज जो है हम क्रिश्चियंस के लिए, हर एक बिलीवर के लिए और हर एक पास्टर के लिए है। लिखा अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को, कौन सा अवसर? जो अवसर हमें मिला हुआ है, हमें जो अवसर मिला है लोगों को प्रभु के बारे में बताने का, जो अवसर मिला हुआ है हमें इस समय का, कि इस समय को हम बहुमूल्य समझें। आज लोग टाइम को प्रेशियस नहीं समझते। सबसे पहली चीज, समय को आपको प्रेशियस समझना पड़ेगा। आज बहुत से लोग समय को वेस्ट करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर आज आप में से कोई भी है जो अपने जॉब से, अपने काम से फ्री हो जाता है, उसके पास अगर 6 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, तो उस टाइम को प्रेशियस नहीं समझता। इसलिए लिखा है क्या, अवसर को बहुमूल्य समझकर। जो अवसर आपको मिला है, वो जो समय आपको मिला हुआ है, वो अवसर के समान भी है, उसको हम प्रेशियस नहीं समझते, उसको हम वेस्ट कर देते हैं बेकार की चीजों में। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ, घर वाले कौन हैं? घर वाले हैं हमारे मसीह लोग, मसीह समाज। वो मसीह समाज हमारे घर वाले, और बाहर वाले कौन हैं? जो मसीह समाज में नहीं हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है? बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। आज लोगों को व्यवहार करना नहीं आता। कई क्रिश्चियंस क्या करते हैं मसीह लोगों के साथ, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसी हैं आप लोग, अच्छे से व्यवहार करते हैं। और जो गैर मसीह है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सही ढंग से बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करते, बदसलूकी से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हम ही प्रभु के हैं और प्रभु ही हमारा है, बाकी वो लोग किसी और के, वो पराए। नहीं, आप और हम भी, जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना था, प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, तब तक हम भी अन्य जातियों की तरह ही जीवन जीते थे। लेकिन जब हमने जान लिया प्रभु को, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो प्रभु ने हमें बदल दिया, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमें पूरी तौर से बदल के रख दिया। और जब प्रभु ने हमें बदल दिया, तो हमें समझना है कि आपका अच्छा व्यवहार केवल चर्च में ना हो, चर्च के लोगों के साथ ना हो, दुनिया में हर समाज के, हर देश के, हर गांव, हर कस्बे के, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों के साथ भी अच्छा हो। आपको समझना है सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है। ये नहीं कि ये व्यक्ति मुस्लिम है तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, ये व्यक्ति हिंदुज्म वाला है अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, ये बुद्धिस्ट है मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, ये सिख है मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, और ये फलाना फलाना जाति और कम्युनिटीज के हैं तो इनके साथ मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, ये लोग तो बुरे होते हैं, ये लोग तो गंदे होते हैं। नहीं, ये थॉट प्रोसेस अपना ठीक करें। व्यवहारिक सलाह आपको दी जा रही है कैसे बिहेव करना है आपको समाज में निकल के। आज लोगों को समाज में बिहेव करना ही नहीं आता, समाज के लोगों से कैसे बिहेव करना है उनको पता ही नहीं है। इसीलिए पॉल उनको समझा रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। जो बाहर वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अच्छा व्यवहार करना है, केवल प्रभु के लोगों के साथ नहीं, प्रभु के दासों के साथ नहीं, हर एक बाहर के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। कई बार मैं देखने में, मुझे भी आता है और सुनने में भी आता है, कई क्रिश्चियंस जो हैं मसीह, जब वो लोग अपने घरों में होते हैं दोपहर के समय, अन्य धर्मों के जो साधु हैं, संत हैं, जब उनके घरों में आते हैं, घरों में आके दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनको बड़ा अपमानित करके या गलत शब्दों से बोल के भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये लोग पाखंडी हैं या ये लोग गलत हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। आपको समझना है, भले ही वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, हो सकता है गलत भी हो, हो सकता है सही भी हो, लेकिन आपको हर धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा
परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर का वचन जो है, हमें हर एक जाति कम्युनिटी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। ये नहीं कि अलग रिलीजन के लोग हैं तो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, हम बदतमीजी करेंगे, बस सलूकी करेंगे, कभी नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी कम्युनिटीज के लोग आपके यहाँ आते हैं, आप उनको पानी पिलाइए, आप उनका आदर सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है किसी प्रकार आप उनकी कोई सहायता मदद कर सकते हैं तो करिए। ये नहीं कि अन्य धर्म का कोई लोग है, अन्य जाति का कोई लोग है तो उसके साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन सत्य है, हमारा परमेश्वर सत्य है और हम सत्य परमेश्वर की उपासना करते हैं और हमें इस बात पर बिलीव है, लेकिन वही परमेश्वर हमारा उन लोगों के प्रति भी चिंता करता है जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है। बहुत से साधु संत और बहुत से ऐसे लोग वो ईश्वर की खोज करते करते इस पृथ्वी से कूच कर गए वो लोग, और वो एक ही बात कहते रहे कि वो परमेश्वर जो है एक ज्योति है, एक ज्योति है, और उस ज्योति को किसी ने नहीं देखा। और वचन कहता है वो ज्योति इस जगत में प्रकट हुई, वो ज्योति इस जगत में प्रकट हुई और वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और सबने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। परमेश्वर का जो इकलौता बेटा है उसके द्वारा जो अद्भुत काम दिखाई दिए वो जगत के लोगों ने देखे, और यीशु के द्वारा ही उद्धार है, यीशु के द्वारा ही चंगाई है, यीशु के द्वारा ही रिहाई है। तो आपको समझना इस चीज का, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। वचन आपको क्या सिखा रहा, बाइबल आपको समाज में कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है आपको सिखाती है। कोई भी अलग अन्य धर्म को कोई रिलीजियस लीडर है, आपका बिहेव उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं केवल अपने पास्टर्स के साथ अच्छा बिहेव करो, उनके साथ भी अच्छा बिहेव करो, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, समाज के व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, लेकिन आप गलत बिहेव किसी के साथ मत करो। आपको समझना है, आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ये गलती कर रहे हैं, इसलिए लिखा है वचन में क्लियर कि बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। आज बुद्धिमान नहीं है क्रिश्चियंस, मोस्टली क्रिश्चियंस गलती करते हैं ये वाली, बुद्धिमान नहीं है, उनको नहीं पता कैसे हमें बिहेव करना है। कई क्रिश्चियंस अपने चर्च के लोगों को ही प्रेफरेंस देते हैं, चर्च के लोगों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, अदर चर्च के लोगों को तो कूड़ा कबाड़ समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बेकार समझते हैं, बेकार कहते हैं। और कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो अलग डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियंस में, कैथलिक हैं और जितने यहोवा विटनेस वाले हैं, उन सबको वो गलत समझते हैं, गलत कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर को, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भले ही राइट डॉक्ट्रिन उनके पास नहीं है, सही शिक्षाएं उनके पास नहीं है, उनसे फिर भी आपको प्यार करना है, आदर करना है, फिर भी उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। मैं ये नहीं कहता उनकी शिक्षाओं को आप फॉलो करो, मैं ये नहीं कहता उनकी शिक्षाओं को आप मानो। जो वचन की शिक्षा बाइबल के आधार पे है उसको मानो, उसको सुनो, उसको फॉलो करो। चाहे कोई भी डिनोमिनेशंस दे रही है वो टीचिंग्स, कोई भी मिनिस्ट्री दे रही है, कोई भी चर्च दे रहा है, कोई भी पास्टर दे रहा है, चाहे वर्ल्ड फेमस हो, चाहे कोई लोकल पास्टर हो, उसकी टीचिंग्स को सुनो, बाइबल की दी गई टीचिंग्स को सुनो, डॉक्ट्रिन को सुनो और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। यदि बाइबल के आधार पे है तो बाहर वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। आज लोगों को अच्छा व्यवहार करना नहीं आता, अच्छा व्यवहार करना सीखे। अगर आप अच्छा व्यवहार करने के लिए कम्युनिटी उसकी क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी कम्युनिटी का है तो ही हम मदद करेंगे, हमारी कम्युनिटी का नहीं है तो मदद नहीं करेंगे। अन्य जाति भी ऐसा करते हैं, अगर तुम भी वैसा करोगे तो हम में और अन्य जातियों में क्या फर्क आ जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। अन्य जाति क्रॉस चेक करते हैं, क्या ये हमारी कम्युनिटी का है, हमारी कास्ट का है, तभी हम इसकी हेल्प करेंगे, तभी हम इसको जॉब पर रखेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सिखाता हमारा परमेश्वर। जाति धर्म हमारे परमेश्वर नहीं बनाई है, हमारे परमेश्वर ने इंसान बनाया है और वो चाहता है कि हम हर एक इंसान से प्यार करें, प्रेम करें, उसकी चिंता करें, उसकी सुधी लें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, तो इस बात को आपको समझना जरूरी है। आपका व्यवहार समाज के लोगों में अच्छा हो, समाज के लोगों में बेहतर हो और वो आपके जीवन को देख के इंस्पायर हो, ऐसा मत बने। और आगे लिखा है वचन में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन यानी तुम्हारे मुंह से बोलना, जो तुम मुंह से बात करते हो बाहर वालों के साथ, केवल घर वालों के साथ नहीं, केवल क्रिश्चियंस के साथ नहीं, केवल चर्च वालों के साथ नहीं, केवल अपनी फैमिली वालों के साथ नहीं, बाहर वालों के साथ भी। लिखा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, अनुग्रह सहित हो। जब तुम बोलो तो तुम्हारे जुबान से ग्रेस लोगों तक पहुंचे,
तुम्हारे बोलने से लोगों के पास ग्रेस पहुंचे। अच्छे से बात करो, मिठास के साथ बात करो, सही बात करो, अनुग्रह के साथ बात करनी है। लिखा है, और सलोना हो ऐसा जो तुम बोलो जिससे वो आनंदित हो, ऐसा जिससे तुम बोलो उनके जीवन की परेशानियों का समाधान हो, ऐसा जो तुम बोलो तुम्हारी बात को सुन के वो बोले हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा आपका बोलना होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है लोगों का, आज लोगों का बोलना कटु वचन है। जब बाहर जाते हैं, अन्य जातियों से व्यवहार करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कटु वचन तरीके से बिहेव करते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे एक अमीर व्यक्ति एक धनी व्यक्ति गरीब के साथ अत्याचार करता व्यवहार करता है, वो गरीब से बदतमीजी से बात करता है, बदसलूकी से बात करता है। अमीर आदमी अपने बराबर वाले से, अपने बड़े से बदतमीजी जल्दी नहीं करता, उसको पता मुझसे बलवंत है। आज एक बलवंत व्यक्ति जो चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो चाहे मानसिक रूप से मजबूत हो, वो अपने से कमजोरों पे गलत व्यवहार करता है, गलत तरीके से बात करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मेंटली भी डेवलप हैं तो भी आप अपने उन लोगों के साथ जो मेंटली आपसे ज्यादा डेवलप नहीं है, आपको ठीक से बिहेव करना है, समझाना है, सिखाना है, उनकी चिंता करनी है, ये वचन बताता है। आप अगर फाइनेंशियली डेवलप हैं, फाइनेंशियली ग्रो हैं, तो गरीबों के साथ अत्याचार मत करें, गलत व्यवहार मत करें। समाज में आपका व्यवहार अच्छा हो, समाज में आपका व्यवहार लोगों के साथ बेहतर हो, इस बात को ध्यान रखें। कई क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बिजनेस या जिनके ऑफिस के अंदर कई अन्य जाति लोग जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं और उनका व्यवहार उन लोगों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन लोगों के साथ। और वो खुद कहते हैं बाद में कि ये हमारे जो बॉसेस हैं, हमारे जो बॉस है क्रिश्चियन है, मसीह है, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। रियल में क्रिश्चियंस लोग बहुत अच्छे होते हैं। आज तक समाज के अंदर क्रिश्चियंस की तारीफ होती है, मसीहों की तारीफ होती है। क्रिश्चियंस जो हैं वो कभी भी ऐसा उनके बारे में नहीं बोला गया कि समाज में उन्होंने लड़ाई झगड़े किए हों, दंगा फसाद किया हो। क्रिश्चियंस पीसफुल होते हैं, ये सारे जानते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं वो हमेशा लोगों की सहायता मदद करते हैं, ये लोग जानते हैं, ये लोगों को पता है। तो आपका बिहेवियर भी ऐसा हो, आपका आचरण भी ऐसा हो, चाहे रिक्शे वाले से आप बात कर रहे हैं, चाहे रेडी वाले से बात कर रहे हैं, चाहे दुकान वाले से बात कर रहे हैं, चाहे दूध वाले से बात कर रहे हैं, सबके साथ व्यवहार अच्छा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, रेडी वाले से बदतमीजी से बात करते हैं, रिक्शे वाले से बदतमीजी से बात करते हैं, दुकान वाले से बदतमीजी से बात करते हैं। वो इस बात को बताता है कि वचन गहराई से हमारे अंदर नहीं गया है, वो इस बात को बताता है सही डॉक्ट्रिन हमें नहीं मिली है, वो इस बात को बताता है वचन की सही शिक्षा हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमारा व्यवहार कठोर है। हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ वो कठोर है, कठोरता वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियंस पीसफुल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। ये वचन की शिक्षा जिसके पास आ जाती है वो अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करता है लोगों के साथ, क्योंकि वचन आपको एजुकेट करता है, आपको आशीषित करता है, इसीलिए आपको समझना है। लिखा, इसलिए तुम्हारा जो वचन हो सदा, सदा यानी हमेशा, यानी थोड़े टाइम के लिए, हमेशा तुम्हारा वचन यानी तुम्हारा मुंह का वचन बोलने वाला अनुग्रह सहित हो और सलोना हो। और लिखा है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इससे क्या होगा, तुम्हें हर मनुष्य को, हर कम्युनिटी के व्यक्ति को, हर कास्ट के व्यक्ति को, हर एक देश के व्यक्ति को उचित रीति से यानी सही ढंग से, सही तरीके से उनको उत्तर देना आ जाए। यदि वो आपसे आपके प्रभु के बारे में पूछते हैं, बाइबल की बातें पूछते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में पूछते हैं, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस को उचित रीति से उत्तर देना नहीं आता, अपने पास्टर से भी अच्छे बिहेव नहीं करते कई तो ऐसे, उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं, बिलीवर्स के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, एक दूसरे के लिए जलन होती है, एक दूसरे के लिए नफरत होती है। क्यों? उसका मुख्य कारण है वचन गहराई तक नहीं गया है। वचन हमने सुना तो है लेकिन वचन गहराई तक अंदर नहीं गया है, इसीलिए हम ऐसे हैं। आपका बिहेवियर आपके पड़ोसियों के साथ अच्छा हो, ताकि आपके पड़ोसी देखकर वो प्रभु की बढ़ाई करें कि हाँ मसीह लोग जो होते हैं वो लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। आपको इस बात को समझना है, वचन कहता है सबके साथ भलाई करो लेकिन विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ, केवल क्रिश्चियंस के साथ नहीं। क्रिश्चियंस के साथ तो आपको करना ही है क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका आधार परमेश्वर है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, उनके साथ भी भलाई करनी है। लिखा है वचन में भलाई करनी है, तो ये आपके बिहेवियर में हो। आज लोगों को बिहेवियर ही नहीं पता कैसे करना है,
आज सीखें और सिखाएं अपने बच्चों को, सिखाएं अपने भाई बहनों को, सिखाएं अपने परिवार के लोगों को कि हमें अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से बिहेवियर करनी है, लोगों की इज्जत करनी है, लोगों को आदर करना है, लोगों को सम्मान करना है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, आपको आदर सम्मान करना है। आपको लड़ाई नहीं करनी, आपने झगड़ा नहीं करना, आपने तौर तरीके से बात करनी है। एक सच्चा मसीह जो होता है वो किसी को बदनाम नहीं करता, अपमानित नहीं करता, लेकिन एक पाखंडी मसीह जो होता है वो सबको बदनाम करता रहेगा, अपमानित करता रहेगा। ये उसका काम है, क्योंकि उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। नहीं, किसी बात की चर्चा करना और किसी की बदनामी करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। यहूदा इस्करियोत की आज तक चर्चा होती है, आज तक चर्चा होती है, क्रिश्चियंस भी चर्चा करते हैं। और प्रभु के समय में जब उसने कुर्बानी अपनी दे दी, हत्या कर दी, उसने अपनी हत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया जाके गलत काम करने की वजह से, तब भी उसकी चर्चा होती रही और आज तक चर्चा होती है। वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रभु के साथ रहा, प्रभु के सारे आश्चर्य कर्म उसने प्रभु के द्वारा देखे, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का इनकार कर दिया। ऐसे ही कई क्रिश्चियंस होते हैं, चर्च में रहते हैं, सालों साल समय बिताते हैं, लेकिन अपने कामों से, अपनी हरकतों से प्रभु का इनकार करते हैं, प्रतिदिन इनकार करते हैं। चर्च में आके वचन सुन रहे हैं, रस्ते में कोई बात होगी गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये बिहेवियर होता नहीं। फिर कहते हैं हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको नियंत्रण लेना पड़ेगा, आपसे गलतियां बार बार होंगी, आपको खुद पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वचन आपका, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके हृदय में जब अधिकाई से बसेगा तो आपको समझ आएगी। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो। कई क्रिश्चियंस ऐसी बहनें हैं जिनको मैं जानता हूँ, ऐसी महिलाएं जिनको जानता हूँ, वो अपने गली मोहल्ले में सबको आदर सम्मान करती है, नमस्ते करती हैं, आदर सम्मान करती है, अच्छे से बात करती है, चिंता करती है, और उनकी तारीफ उन गलियों में, उनके मोहल्ले में होती है कि सबका ही आदर सम्मान करते हैं। कई मसीह हैं से जिनको मैं जानता हूँ, जिनके आस पड़ोस के मोहल्ले में, उनके गलियों में तारीफ होती है कि ये जवान बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बड़े अच्छे से सबसे बात करती है, अच्छा बिहेव रखती है। आपको अपना व्यवहार ऐसा बनाना है, सबके साथ अच्छा बिहेव करो। कास्ट कम्युनिटी को लेके हमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने इंसान बनाया है उसने कोई कास्ट कम्युनिटी नहीं बनाई है। लोग कहते हैं, जो आप लोग जो प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, आप क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के मीनिंग को आप समझिए, क्रिश्चियन का मीनिंग क्राइस्ट, CHRIST, क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है पहलोठा, और IAN जो उसके बाद लगता है उसका मतलब होता है I am nothing, यानी पहलोठे के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, वो क्रिश्चियन कहलाता है। अगर हम प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन दे रखा है, तो वी ऑल आर क्रिश्चियन, हम लोग मसीह हैं, क्योंकि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने प्रभु को अपना जीवन दे रखा है और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और प्रभु हमें हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहता है, वो पीसफुल हमें जिंदगी जीना सिखाता है, और लोगों को वो सुसमाचार सुनाने के लिए बोलता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, बताएं प्रभु को यीशु के बारे में, गुड न्यूज सुनाएं कि कोई है जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है, कोई है जिसने आपके लिए लहू बहाया है, कोई है जो आपके पापों के लिए दाम चुका चुका है। तो आपको बिलीव करना है प्रभु पर, प्रभु को अपना जीवन देना है, इस बात को समझना है। एक वचन और मेरे लिए खोले, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसके पद 16 में क्या लिखा है, 2 Timothy 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। यहाँ क्लियर वचन में बताया गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी पूरी बाइबल, होल स्क्रिप्चर जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश, पहली चीज बताइए उपदेश, उपदेश उसके बाद बोला गया है समझाने, और उसके बाद सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, यह चीज बोली गई है वचन में, क्लियर है। यह पूरी बाइबल आपको उपदेश देना, कैसे उपदेश देना है वो सिखाती है, ये सिखाती है कैसे आपको समझाना है, ये आपको सिखाती है कि कैसे आपको लोगों को सुधारना है। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, ये आपको सिखाता है, ये वचन आपको पहनना कैसे है कपड़े, किस तरह बात करना है, किस तरह व्यवहार करना है, ये पूरी बाइबल आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा बिहेव करने वाला बनाती है, ध्यान रखें। उसके बाद बोला गया है साथ में धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, यानी स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है।
यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए, आत्मिक शिक्षाओं के लिए। इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने से, होली बाइबल पढ़ने से आपका जीवन बेहतर होता है, आपका जीवन बदलता है। आपको जो बात करनी नहीं आती, आप बात करना सीखोगे। आपको जो व्यवहार करना नहीं आता, आप व्यवहार करना सीखोगे। आपको जो उठना बैठना नहीं आता, वो सारी चीजें ये परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, जिससे आप बेहतर बने, एक अच्छे इंसान बने। उसके बाद आगे लिखा है वचन में, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। ये पूरी बाइबल किसी ने लिखी गई है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। आज परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए उसको परमेश्वर का वचन पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को पालन करने की आवश्यकता है। जो आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है, किस तरह आपको बिहेव करना है समाज में, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है, समाज के लोगों के साथ, समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति के साथ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो चीज आपको वचन सिखा रहा है कि अच्छा सा व्यवहार करना है, बेहतर ढंग से व्यवहार करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रभु यीशु मसीह ने सोशल सर्विस करी, समाज सेवा करी। आज क्रिश्चियंस का दायित्व तो है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार सुनाया, हमें सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? बीमारों को चंगा किया, हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जो लोग दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं उनको छुटकारा दिया, हमें उनके लिए दुआ करनी है ताकि उनको छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों को खाना खिलाया, हमें खिलाना है। प्रभु यीशु ने समाज में जो नफरत थी, भाई भाई में नफरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस नफरत को खत्म किया, प्यार करना सिखाया। यीशु प्यार है, उस प्यार को हमें समझना है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएंगे तो समाज में लोगों के साथ भी प्यार करना शुरू कर देंगे, नफरत नहीं करेंगे। हमें नफरत नहीं करना है, समाज में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ प्रेम करना है। क्योंकि लिखा है ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने, और लिखा है हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए, जो परमेश्वर के लिए भला काम है, परमेश्वर के राज्य के लिए जो भला काम है, उसके लिए तत्पर हो जाए। तत्पर मीन्स रेडी हो जाए, एक्साइटेड रहे कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, उसके काम के लिए आगे बढ़े, पीछे ना हटे। जब तक परमेश्वर का जन सिद्ध नहीं बनेगा, वो उसके वचन का पालन नहीं करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। जब उसके वचन को पालन करेगा, वचन को ग्रहण करेगा, तभी तो वो तत्पर होगा। किस चीज के लिए? भले कामों के लिए। आपके द्वारा भले काम दिखने चाहिए, भलाई वाला व्यवहार होना चाहिए। वचन कहता है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। क्लियर वचन में लिखा है, अगर तेरा हाथ, तेरा पैर, तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है, निकाल कर फेंक दे, काट दे इनको। इसका अर्थ ये नहीं है कि फिजिकल बॉडी को आप नुकसान पहुंचाओ। उसका अर्थ है यदि किसी भी आप संगति से, किसी भी फेलोशिप से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप ठोकर खा रहे हैं किसी भी चीज से, तो उसको अपने जीवन से अलग कर दे, अपने जीवन से उस चीज को अलग कर दे। यदि उस चीज में आप बने रहोगे, आप नुकसान खा लोगे। आज मोस्टली क्रिश्चियंस गलत प्रोफेशन चूज करके परेशान हो रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं। उनको लग रहा है ये प्रोफेशन हमारा राइट है, ठीक है। वो परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है, और वो पाप दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। वो ठोकर खा रहे हैं उस प्रोफेशन से, क्योंकि उस प्रोफेशन की वजह से उनको गाली देनी पड़ रही है, उस प्रोफेशन की वजह से उनको गलत काम करना पड़ रहा है, उस प्रोफेशन की वजह से वो परमेश्वर के वचन के विपरीत जाके उनको काम करना पड़ रहा है। ऐसा ना करें। जिस चीज से आप ठोकर खा रहे हैं उसको अलग कर दे अपने से, चाहे वो प्रोफेशन हो, कुछ भी हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता आप ठोकर खाएं। वचन में क्लियर लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मैं तुम में नहीं, तो तुम फल अपने आप से नहीं सकते। यदि आप मसीह में बने नहीं रहोगे, मसीह आप में बना नहीं रहेगा, तो आप फ्रूटफुल नहीं होगे। जब गलत प्रोफेशन आप चूज कर लोगे, गलत फील्ड आप चूज कर, आपके फ्रेंड्स गलत हैं, उनको अलग कर दो अपने से। गलत लोग हैं, उनको अपने से अलग कर दे। अगर कोई बिलीवर ऐसा है जो बार बार गलती करता है, बार बार गलत तरीके से बिहेव करता है, गलत तरीके से जीवन जी रहा है, बार बार आपके समझाने के बावजूद, और उसकी वजह से आप ठोकर खा रहे हो, तो उससे भी अपने आप को अलग कर दो। कोई फायदा नहीं है अगर आप खराब हो रहे हो। वचन साफ कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो एक अच्छी संगति अच्छा चरित्र भी बना देती है। हालेलुया। इसीलिए अच्छी फेलोशिप करें, अच्छी संगति में रहें, ताकि आपका चरित्र उत्तम बने। आपको अच्छे से बिहेव करना है, आदर सम्मान करना है, प्रेम करना है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी फेलोशिप कैसी है, आप किस प्रोफेशन में हैं, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसे आपके क्लीग हैं, कैसे लोग हैं। अगर गलत है, खराब है, उनसे थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। ऐसा ना हो उनकी संगति आपको खराब कर दे।
उसकी संगति आपको गलत रास्ते पे ले जाए और आप बहक जाओ, आप पाप में पड़ जाओ। क्लियर वचन में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन क्या करे, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भला काम करना है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों की सुधि लेनी है, लोगों की चिंता करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहयोग करना है, काम करना है, अपने आप को तैयार करना है स्वर्ग के लिए, ताकि आपका जीवन देखकर आपका पति भी प्रभु की ओर खींचे जाए, आपकी पत्नी खींच जाए, आपके भाई बहन खींच जाए, आपके माता पिता खींच जाए, समाज के लोग खींच जाए। आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि आपके मदर फादर भी बोले, आपके फैमिली मेंबर्स भी बोले कि पहले तो ये इस तरह बात नहीं करते थे, इस तरह बात नहीं करता था, इस तरह मदद नहीं करता था, लेकिन अब ये हर तरीके से बात भी करता है, अच्छे से मदद भी करता है, सहायता भी करता है, सबका आदर सम्मान करता है। वो चीज़ उनके थॉट प्रोसेस को बदल देगी, उनके विचारों को बदल देगी कि रियल में ये व्यक्ति चर्च में जाने से, चर्च की टीचिंग्स को सुनने से, बाइबल की टीचिंग सुनने से इसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, जीवन बदल गया। एक वचन और खोले मेरे लिए, सॉरी, याकूब की पत्री अध्याय एक उसके पद 26 को पढ़ें। याकूब की पत्री अध्याय एक उसके पद 26 को पढ़े, क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे पर अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। क्लियर यहां पर जो है याकूब जो है वो वॉर्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। ये याकूब जो प्रभु के भाइयों में से एक भाई था जिसने बाद में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया और प्रभु के चेलों के साथ ये संगति करने लगा, ये वो था याकूब। इस याकूब ने बोला कि जो कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जुबान पे लगाम नहीं देता उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज बहुत से लोग जब गुस्सा आता है जुबान पे लगाम नहीं रख पाते, मोस्टली अधिकतर लोग हाईली चांसेस होते हैं जब गुस्सा आता है जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से पाप बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता चला जाता है। बड़ा डिफिकल्ट होता है ये, लेकिन वचन कह रहा है अगर कोई भक्त समझता है अपने आप को, कोई कहता है मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु का जन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूँ, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैं होली कम्युनियन लेता हूँ, तो उसको इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि अगर वो भक्त अपने आप को समझता है तो अपनी जुबान पर लगाम दे, अपनी जुबान पे लगाम दे, अप शब्द ना बोले, गंदा ना बोले, किसी की ऊटपटांग बातें ना करे, लगाम रखे। बहुत से लोगों की जुबान में लगाम ही नहीं, बेलगाम होती है, बोलना चालू करते हैं तो रुकते नहीं और बोलते बोलते पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, माँ के दिल को छेद देते हैं बोल बोल के, पिता के दिल को छेद देते हैं, भाई बहनों के दिलों को छेद देते हैं बोल बोल के, उनको समझ ही नहीं होती हम क्या बोल रहे हैं और उनको लगता है प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु ऐसे लोगों को जिंदगी भर आशीष नहीं देगा। आप चर्च आके बैठो, मैं कह रहा हूं चर्च में एक जगह बना लो अपनी, चाहे 10 साल वहां बैठे रहो, 10 साल की अपनी तपस्या हो जाएगी, आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। 10 साल बाद भी आप उसी हुलिये में पास्टर को दिखाई दोगे जिस हुलिये में आज हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने माता पिता का आदर करना ही नहीं आता, आपको अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करना ही नहीं आता, आपको अपनी पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार करना ही नहीं आता, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना ही नहीं आता, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। बहुत सारे क्रिश्चियंस मैंने जवान बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपने मदर फादर का बड़ा अपमान करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बदसलूकी से बात करते हैं, गलत बोलते हैं, उनको सोचते समझते नहीं है, बोलना चालू होते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बोलने की नहीं होती, जिससे क्या होता है माता पिता को बहुत दुख पहुंचता है और उनके आंसू निकलते हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा आपका अच्छा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स हैं, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। वचन में लिखा तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ मत जानना। लोग क्या करते हैं, जवान हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं मॉडर्न जमाने के, आपको कुछ नहीं पता, चुप हो जाओ, आपको कोई अकल नहीं है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तो उसी माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, आज आप कह रहे कुछ नहीं आता। आप समझदार हो गए हो तो आप उनकी कमियों को इग्नोर करो, माफ करो, प्यार से समझाओ, उनकी सुधी लो, उनकी चिंता करो। जब आपको बोलना नहीं आता था तब आपके माता पिता को समझ आता था आपको क्या परेशानी हो रही है। इसीलिए अच्छा बिहेव करो, केवल माता पिता के साथ नहीं, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ। इसीलिए अपने आप को ठीक करें ताकि आप सिद्ध बने। जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, आपका जीवन ब्लस नहीं हो सकता। आज बहुत सारे चर्चेज में कहते हैं लोग कि परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा, लेकिन उनको यह नहीं समझाते कि अगर वचन के आधारित, वचन पे आधारित जीवन नहीं जियोगे तो कभी आशीष नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो टेम्पररी होगी, फिर छिन जाएगी। अगर परमानेंट आशीष चाहिए तो अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार बना लो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार जीवन को जिए,
उसके वचन के अनुसार जीवन अपना बनाएं, तभी समाज के लोग, आपके परिवार के लोग आपका जीवन देख के इंस्पायर होंगे। जहां आप जॉब करते हैं वहां के लोगों को लगना चाहिए कि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। अगर आपका व्यवहार खराब है तो वो क्या सोचेंगे कि चर्च जाने वाले भी लोग ऐसे ही होते हैं। आज अधिकतर क्रिश्चियंस ऐसे ही चर्च में आ रहे हैं, संडे प्रोग्राम सर्विस अटेंड करी, घर गए, शाम को प्रोग्राम रेडी है, बैठ के दारू पी रहे हैं, फिर संडे चर्च में आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर शाम को जाके दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप भरा जीवन जी रहे हैं। उनको लग रहा हम स्वर्ग जाएंगे, उनको लग रहा प्रभु के दृष्टि में हम धर्मी हैं। नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं है जो ऐसा जीवन जी रहा है। अगर धर्मी बनना चाहते हैं, पापों से अपने आप को अलग करें, तौबा करें अपने पापों के लिए, पश्चाताप करें और खुदा के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसीलिए आपको अच्छा बिहेव करना आना चाहिए। आज के वचन से प्रभु ने सिखाया, यदि तुम में कोई भक्त अपने आप को समझता है, जुबान पर लगाम दे, नहीं तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, चर्च आना व्यर्थ है। सोच समझ के बोलो अपने अगुओं के सामने, सोच समझ के बोलो अपने माता पिता के सामने, सोच समझ के बोलो अपने परिवार के सामने, कलीसिया के सामने, सोच समझ के बोलो समाज के लोगों के सामने। अच्छे से बिहेव करें, आपके बोलने में नम्रता हो, आपके बोलने में अनुग्रह हो, आपके बोलना सलोना हो, आपका बोलना खरा हो, आपका बोलना भला हो, आपका बोलना ऐसा हो, बोलो तो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। जब इस प्रकार आपका बोलना होगा तभी आप आशीषित होगे, क्योंकि लिखा है वचन में, इसी जुबान के विषय में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसको काम में लाना जानता है इसका फल भोगेगा। जो जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो ही आशीषित होगा। जुबान का अच्छा इस्तेमाल करोगे तो बहुत ब्लेस्ड हो जाओगे। आज बहुत से लोगों को जुबान का अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन जो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं वो बहुत आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। तो आज के वचन से प्रभु ने समझाया कि हमें समाज में, समाज के लोगों के साथ, हर धर्म हर वर्ग के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह व्यवहार करना है, और किस तरह अपना जीवन बनाना है, और खुद भी किस तरह रहना है। अगर इन बातों को हम पालन करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को और आशीषित करेगा, और हम प्रभु के वचनों में मजबूत बनेंगे और हम सिद्ध बनते जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम लोग मिलके एक छोटी